हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव, जिमनी कॉज में ड्राइव करने आया हूं देहरादून के अंदर। और इस गाड़ी की ना हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एटलीस्ट 20 वीडियो देखने को मिलने वाली है। कोई पर्टिकुलर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो भी शूट करने वाला हूं। यहां पर खड़े हैं गाड़ी के 3 से 4 कलर, अगर आप देखेंगे ना तो ये जो कलर है ये इसका रेड कलर है जिमनी का, साथ में ये एक जो ग्रीन जो सिग्नेचर कलर है जो इसका रहने वाला है वो कलर खड़ा है, और उसके अलावा यहाँ पे एक ग्रे कलर की गाड़ी भी खड़ी है। इस पर्टिकुलर कार के अंदर काफ़ी सारी एक्सेसरीज लगी हुई है, मैं आपको एक्सेसरीज तुरंत दिखा देता हूँ क्या क्या लगी हुई है। तो अगर आप यहाँ पास से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देने वाला है, एक रगेड लुक के लिए यहाँ पे एक ये प्लास्टिक का ही पार्ट है वैसे तो लगा हुआ है फ्रंट के अंदर, आपको यहाँ पे क्रोम मिल जाता है। और ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये एक्सेसरीज का पार्ट है इस गाड़ी के अंदर। वहीं पर बोनट के ऊपर आपको दोनों साइड कुछ ये दिखाई देने वाले एलिमेंट्स, एक आपको यहाँ पे स्टिकर दिखाई देने वाला है, और साइड में अगर आप देखते हैं ना साइड में आपको ORVM के ऊपर ये दिखाई देने वाला है यहाँ पे लगा हुआ है। ये क्लैडिंग्स जो लगी हुई हैं ऊपर ये आपको एक्सेसरीज़ के रूप में लगवानी होंगी। ग्राफिक्स हैं, ये भी एक्सेसरीज़ का ही पार्ट है इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा इंटीरियर की मैं बात करूँ तो अंदर भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं ये इस तरह के जो कर्टेंस हैं वो लगे गए हैं, यहाँ पर लेदर लगाया गया है, नीचे भी एक पैनल लगाया गया है इसके ऊपर जो एक्सेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ पर जिमनी की आपको स्किड प्लेट और सीट कवर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, लेदर कवर इसके अंदर लगा हुआ है जो एक्सेसरीज़ का पार्ट है। वहीं पर अगर मैं बात करूं पीछे की, पीछे इसमें भी कुछ सामान रखा है, पीछे भी लगभग आपको ये वाले जो ट्रीटमेंट्स हैं वो दिखाई देने वाले हैं। साथ साथ आपको यहाँ पे ये एक ऊपर रेन वाइजर जो आता है वो दिखाई देने वाला है, ऊपर आपको एक रैक दिखाई देगा। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना तो रैक को इसमें रूफ रेल तो नहीं है, इसको यहाँ साइड वाले इस वाले किनारे के अंदर यहाँ पर फिट किया गया है जो एक काफ़ी अच्छा सेटअप है। इसको आप आगे पीछे थोड़ा और एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। साइड माउंटेड आपको मिलता है इसके अंदर एंटीना, यहाँ पे आपको पीछे भी यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है ये पार्ट है जो एक्सेसरीज का है। वहीं पर रियर के अंदर ये एक क्रोम वाला जो पार्ट है ये एक मेटल का पार्ट है ये लगाया गया है व्हील कवर के ऊपर। पियानो ब्लैक फिनिश आपको दिखाई देने वाली है इसके अंदर, और पीछे भी काफ़ी सारा सामान रखा है गाड़ी के अंदर। ये जो सेटअप है ना आप देखेंगे काफ़ी मतलब पत्थर वत्थरों में देहरादून के अंदर एक अच्छा सेटअप मुझे दिखाई दिया है जो मारुति सुजुकी ने जिमनी की ड्राइव के लिए किया है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्रे कलर, तो ग्रे कलर के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है सेम वही कुछ ग्राफिक्स यहाँ पर लगी हुई हैं इसके अंदर भी। और बेसिकली प्रोडक्शन वर्जन के अंदर इस तरह की आपको स्पेयर व्हील मिलने वाली है, वो उस तरह की आपको लगवाने के लिए आपको अलग से पैसा खर्च करना होगा। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तो पीछे आपको दिखाई देने वाला है, तो इस तरह का सेटअप है दोस्तों। और तीनों कलर्स आपने देख लिए हैं, ये ग्रे कलर है इसका, वो है ग्रीन कलर, एंड देन वो है रेड कलर। अलग अलग आपको वीडियोस में दिखा देता हूँ हर कलर का एक डिटेल्ड वॉक राउंड करके। और इस गाड़ी के अंदर 5 सिंगल टोन 3 ड्यूल टोन कलर्स हैं। ये जो बीच वाली गाड़ी है और जो रेड वाली गाड़ी है ड्यूल टोन के अंदर है, इसमें ब्लैक कलर की रूफ है। और इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव, अच्छा थोड़ी डिटेल्स और दे देता हूँ आप लोगों को। एक तो इसमें आने वाला है 1500 cc का वही पेट्रोल इंजन जो आपको ब्रेजा वगैरह में मिल जाता है, ब्रेजा में ग्रैंड विटारा में, जो तकरीबन 104 PS की पावर 135 NM का टॉर्क बनाती है। और जो माइलेज गाड़ी की कंपनी ने अनाउंस की है 16.39 आपको ऑटोमेटिक के अंदर, 16.9 के आसपास आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलने वाली है। और फोर व्हील ड्राइव ही आने वाला है, टू व्हील ड्राइव का इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। कीमत का अनुमान है 15 लाख के आसपास आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, और जून के फर्स्ट वीक में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा भारतीय बाज़ार के अंदर।